तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर सोहन टेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रीपेड प्लान और पोस्टपेड प्लान क्या होता है, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रीपेड प्लान और पोस्टपेड प्लान होता क्या है। प्रीपेड प्लान को अगर हम दोस्तों सरल भाषा में कहें, अपनी भाषा में कहें, तो प्रीपेड प्लान होता है कि जिन सेवाओं के लिए जो हम सेवा किसी टेलीकॉम सर्विस से लेते हैं, टेलीकॉम कंपनी से लेते हैं, चाहे वो इंटरनेट की सुविधा हो, चाहे वो कॉलिंग की सुविधा हो, एसएमएस की सुविधा हो, या फिर किसी भी और डेटा की सुविधा जब हम किसी टेलीकॉम कंपनी से लेते हैं और उसका भुगतान हम ऑलरेडी कर देते हैं या पहले से ही उसका भुगतान कर देते हैं। जैसे कि हम किसी कंपनी का प्रीपेड प्लान रिचार्ज कराते हैं तो तभी जाके हमारी इंटरनेट सेवा और कॉलिंग सेवा स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं पोस्टपेड प्लान क्या होता है। तो दोस्तों, पोस्टपेड प्लान में क्या होता है, पोस्टपेड प्लान में हमें जितनी भी सुविधा लेनी पड़ती है टेलीकॉम कंपनी से, चाहे वो कॉलिंग की सुविधा हो, इंटरनेट की सुविधा हो या फिर और कोई भी सुविधा हो, उसके लिए जो भुगतान होता है वो सर्विस को यूज करने के बाद उसका भुगतान किया जाता है, उस चीज को पोस्टपेड प्लान कहते हैं। अब दोस्तों, प्रीपेड प्लान की और पोस्टपेड प्लान की जरूरत किसको पड़ती है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रीपेड प्लान की जरूरत जो हम जैसे यूजर्स होते हैं, जो कभी कभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉलिंग के लिए भी हम हर टाइम कॉलिंग की हमें जरूरत नहीं होती है, जब जरूरत होती है तभी हम उस सुविधा का यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे यूजर्स जो होते हैं उनको उनको प्रीपेड प्लान की जरूरत होती है, हम जैसों को प्रीपेड प्लान की जरूरत होती है। अब दोस्तों, पोस्टपेड प्लान की बात करें तो कोई कंपनी हो या फिर कोई ऑफिस हो, वहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, हर टाइम इंटरनेट पर काम चलता रहता है या फिर हर टाइम उनको कॉलिंग की सुविधा उनको चाहिए रहती है। तो दोस्तों, ऐसी जो कंपनी होती है, ऐसे दफ्तर बोल लीजिए, ऑफिस बोल लीजिए, उनको ज़रूरत रहती है पोस्टपेड प्लान की। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रीपेड प्लान और पोस्टपेड प्लान क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही अमेजिंग टेक वीडियोस, इन टेक कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।